हेलो एवरीवन, ये एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई एडवांस में भी पहले आ चुका है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट एच विद ए स्पीड वी नॉट सच दैट इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली। एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारी जो कि रेड से डिनोटेड है। एक पार्टिकल है जो वी नॉट स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, और जब इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्राइक हुआ तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हुआ। ठीक है, ये पार्टिकल एच हाइट से थ्रो किया गया था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो इस इंक्लाइंड प्लेन की है वो थीटा है। ठीक है, अब हमें वी नॉट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको क्लियर है, बहुत इजी सा दिखने वाला ये क्वेश्चन है, बट है काफी इंटरेस्टिंग सा। दो तीन चीजों को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, टाइम लीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से बनाने की। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग इस डायग्राम को फिर से एक बार बना लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें। पार्टिकल हमने कुछ इस तरह से फेंका था, यहां पर से मान लेते हैं कि वी नॉट स्पीड से पार्टिकल को फेंका गया था और ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये हिट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है इसके। ठीक है, तो एक चीज तो ये तय है कि अगर ये वी नॉट स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया था तो हर इस पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है वो वी नॉट ही रहेगी। तो यहाँ पे जब ये स्ट्राइक किया तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वी नॉट ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती है। और ये वेलोसिटी अलोंग वाई जो है हमारी, ये वी वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा ये एंगल थीटा था तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करते हैं हम लोग, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो गया आपका। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई। और यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह जो है इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है, और इसको मान लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी बची ये हमारी क्या हो जाएगी, एच माइनस एस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम ये देखें, थीटा है हमारा, ठीक है, तो वी वाई हम पता कर लेते हैं पहले। तो टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई वी वाई, राइट, वी नॉट बाई वी वाई। तो यहाँ से वी वाई हमारा पता चल गया, वी वाई हमारा क्या हो गया, वी नॉट डिवाइडेड बाई टैन थीटा, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट कॉट थीटा, ये हमारा वी वाई हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको वाई एक्सेस में देख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग क्या क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, पहले वाई एक्सेस देख लेते हैं। तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग अगर हम लोग बात करें तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी वाई दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y माइनस जी टी, राइट। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y हमारी क्या है, v नॉट cot थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस v नॉट cot थीटा, क्योंकि हमने माइनस g का यूज किया, मतलब हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिया है, इसलिए हम लोग वी वाई को माइनस v नॉट cot थीटा लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग क्या थी, जीरो थी, ये तो कुछ थी ही नहीं, तो ये टर्म तो आपका जीरो हो गया। ठीक, दैट इज योर माइनस जी टी। तो यहां से हमें क्या आ गया, यहां से हमें आ गया कि कितने टाइम पे ये पार्टिकल ने स्ट्राइक किया। टाइम यहां से क्या आ गया, टाइम आ गया हमारा वी नॉट कॉट थीटा बाई जी, ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, अब वाई के ही अलोंग हम लोग यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी यूज कर सकते हैं वाई के अलोंग, वी वाई स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट, प्लस टू एक्सलेशन अलॉन्ग वाई डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई। फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई तो हमें पता है वी नॉट कॉट थीटा, तो स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जीरो थी, वो टर्म तो आपका चला जाएगा, और टू जी एस वाई, राइट। यहाँ पे हम लोग जी को निगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई हमारी क्या आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू जी।
अगर हम लोग जी को निगेटिव ले लेते तो डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग वाई भी निगेटिव साइन के टर्म में आ जाता कि डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग वाई हमारा नीचे के डायरेक्शन में। यहाँ पे हमें बस मैग्नीट्यूड निकालना था तो हमने साइन का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा वाई में क्या क्या निकल गया, वाई से हमारा टाइम निकल गया और ये एस वाई जो हमारे पास, ये जो हमने डिनोट किया था, ये एस वाई हमारा निकल चुका है। अब एक्स के अलोंग देखते हैं, एक्स के अलोंग कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस के लॉन्ग जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो x एक्सिस के लॉन्ग क्या लिख सकते हैं, x एक्सिस के लॉन्ग तो यूनिफॉर्म मोशन है हमारी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x इज वेलोसिटी अलॉन्ग x विच इज नथिंग बट v नॉट इनटू टाइम। तो टाइम तो हमारा निकल चुका है, तो v नॉट स्क्वायर कॉट थीटा बाई जी लिख लेंगे यहाँ पे टाइम सब्सिट्यूट करके, ठीक है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग एक्स वाई टाइम वगैरह सब निकल चुका है। अब कोई और रिलेशन लगा के इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डिनोट करता हूँ मैं, ये वाली जो आपकी ट्रायंगल है, ये आपकी जो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ट्रायंगल जो हमारी है, ये वाली, ये और ये, इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में आपकी ये एंगल कितनी है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस थीटा, हमें एस एक्स और एस वाई को कनेक्ट करना था, ठीक है। तो टैन 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, राइट, ओके। अब इसको लिख लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x हमारा क्या है, v नॉट स्क्वायर cot थीटा बाई जी, v नॉट स्क्वायर cot थीटा बाई जी इंटू एच माइनस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y, h माइनस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y था हमारा v नॉट स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। तो ये हो गया, यहाँ से cot थीटा आपका कैंसिल हो गया, ओके। तो अब यहां पर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी टाइम्स 2gh माइनस v नॉट स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट, दैट इज योर v नॉट स्क्वायर, यस और नो। तो यहां से g और g आपका कैंसिल कर लीजिए, तो अब यहां पर से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करके यहां पे लिखते हैं। तो यहां पर से हम लिख सकते हैं टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे ऐसे आ जाएगा आपकी टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, दैट इज इक्वल टू टू जी एच, हमें चाहिए था वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आप डायरेक्टली यहां पर से वी नॉट हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, हम लिख सकते हैं रूट ओवर 2gh by 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट, रूट ओवर 2gh by 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा, दैट विल बी योर आंसर। तो h और थीटा के टर्म में हमारा v नॉट यहां पर से आ गया है फाइनली, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपने खुद से भी करने की कोशिश की होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपने कर लेगा होंगे, शायद फाइनली आप डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स और वाई को कनेक्ट ना कर पाए हो, या कर भी लियो बहुत अच्छी बात होगी फिर। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपके पास भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इस वीडियो को हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।